आज के इस न्यू वीडियो में तो आज जो है आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो DSSB है, दिल्ली सबोर्डिनेट सिलेक्शन वेरियस पोस्ट का जो फॉर्म निकला था अलग अलग पोस्ट के लिए, इसमें जो है बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न है कि पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो क्या होता है, इसको कैसे बनाना है, कैसे लेफ्ट थंब राइट थंब सिग्नेचर ये सारा सब कुछ कैसे अपलोड करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में वो लाइव फॉर्म आपको भर के दिखाऊंगा, और कैसे रिसाइज करना है, कैसे बनाना है, वो सारा सब कुछ आपको बताना है बताएंगे। लेफ्ट थंब कैसे बनाना है, राइट थंब कैसे बनाना है, वो भी आप घर से बना सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो और पासपोर्ट साइज फ़ोटो दोनों ही अलग होता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होता है वो हम कहीं जनरली भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, और वो थोड़ा छोटा होता है, 3.5x2.5 का होता है। लेकिन पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो होता है 5x7 होता है उसका इंच में, तो वो थोड़ा सा बड़ा साइज होता है पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आप पासपोर्ट साइज को कैसे पोस्ट कार्ड साइज बनाएंगे, और उसको कैसे ही आप अच्छे से अपलोड कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर न्यू आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, आप लोग मोटिवेशन देते हो तो अच्छा लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, जब आप कोई फाइल अगर अपलोड करेंगे तो आपको इस तरह का एरर आएगा, फाइल डायमेंशन ऑफ योर फोटोग्राफर शुड बिटवीन इतना टू इतना एंड एक्सेल। तो इसके लिए आपको यहाँ आ जाना है, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आएंगे। सबसे आसान तरीका, आप दो तरीका से कर सकते हैं, एक है फोटोशॉप, दूसरा है एम एस पेंट। तो एम एस पेंट से भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे, ओपन विथ एम एस पेंट करेंगे फोटो को, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो रहेगा कुछ इस तरह का रहता है। इसको पोस्ट कार्ड साइज बनाने के लिए आपको यहाँ पे रिसाइज में जाएंगे। रिसाइज पे जाने के बाद आपको यहाँ पिक्सल दिख रहा होगा, पिक्सल पे टिक करेंगे और यहाँ पे अनटिक कर देंगे, और यहाँ पे जो आपका साइज रहेगा साइज 480x आपका जो रहेगा ये 672 हाइट रहेगा। ये जो होगा आपका हाइट हो गया, और ये जो होगा आपका हॉरिजेंटल यानी विड्थ हो गया, और ये आपको ओके करेंगे, और यहाँ पे आपका ये रिसाइज हो जाएगा। और आपको इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। सेव एज जाएंगे और इस पे आपको ये वाला सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फोटो यहाँ पे आ गया है। तो आपको इसी तरह से करना है, बहुत ही आसान तरीका है। और उसी तरह से आपको यहाँ सिग्नेचर पे जाना है, सिग्नेचर ले लेना है। सिग्नेचर का जो हाइट रहेगा आपका दोस्तों 110x140 हाइट में रहेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ एमएस पेंट करेंगे, और यहाँ रिसाइज है, यहाँ क्लिक करेंगे, और सबसे पहले यहाँ पे आपको मेंटेन जो है एस्पेक्ट रेशियो इसको अनटिक कर देना, और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको 110x140 यानी आपका जो ये हाइट रहेगा 140 रहेगा, और हॉरिजेंटल जो रहेगा 110 रहेगा सिग्नेचर के लिए, सिग्नेचर के लिए जो रहेगा 140 रहेगा, और आपका जो रहेगा हाइट जो रहेगा 110 रहेगा। तो ये जो हॉरिजेंटल है 140 कर लेना है सिग्नेचर में, और ये जो वर्टिकल रहेगा हाइट वो 110 कर लेना है। ये हो गया, आपको इस तरह से सेव एज पे जाना है, और यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। उस सेव करने के बाद आपको यहाँ पे आ गया है, आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है, बहुत ही आसान तरीका से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आपको इसी इंस्ट्रक्शन में रखना है, और आपको बहुत ही आसानी से एमएस पेंट से करिए, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 140 पिक्सल है विथ, और हाइट जो है 110 है, आपको यही करना है, और मैक्सिमम साइज 40 KB से कम रहना है। उसके बाद दोस्तों आपको उसी तरह से यहाँ पर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है, आपको लेफ्ट थंब में जो क्या करना है 110 लेना है, और 140 जगह आपका हाइट है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ करेंगे, यहाँ एमएस पेंट पे जाएंगे। एमएस पेंट पे जाने के बाद यहाँ रिसाइज का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले इसको मेंटेन को अनटिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन में क्या करना है, 110 विड्थ रहेगा, और आपका जो रहेगा ये वाला
140 करना, इसमें अपोजिट हो जाएगा। वर्टिकल जो रहेगा हाइट 140 और हॉरिजेंटल 110 रहेगा। यहाँ ओके करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, सेव एज कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको नेम लिख लेना है इसका, जो भी राइट थंब होगा तो राइट थंब कर देंगे। ये सेव हो गया। अब उसको दोस्तों आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो रिसाइज किया था 110 है, 110 × 140 और ये 14 KB के बीच में। इसको टिक क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपलोड पे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये अपलोड हो गया है। उसी तरह से आपको ये राइट थंब भी ले लेना है, इसमें भी आप उसी तरह से करेंगे, ओपन करेंगे और 110 और 140 करना है आपको हाइट। और उसी तरह से आपको यहाँ पे भी ये इस तरह से लेंगे और आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पे जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, ओपन विथ MS पेंट करेंगे और उसके बाद रिसाइज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अनटिक कर लेंगे और उसको यहाँ जो है 110 और 140 कर देना है, यहाँ पे 140 कर देना है। उसके बाद ओके करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जाएंगे, सेव एज कर लेंगे और उसके बाद सेव कर लेंगे। तो उसी तरह से आपको ये वाला भी हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, इसको आप कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है।